और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है, हम दोनों। नमस्कार दोस्तों, ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या की कहानी तो आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा। YouTube, Facebook, Instagram और दूसरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इनकी ही कहानी छाई हुई है और इन्हीं की कहानी के चर्चे हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि ये आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या आपस में पति पत्नी है, और आलोक मौर्या की पत्नी ज्योति मौर्या ने शादी के तुरंत बाद अपनी आगे पढ़ाई करने और SDM बनने की इच्छा को जताया था, जिसको समझते हुए उनके पति आलोक मौर्या ने उन्हें अपने दम पर पढ़ाया लिखाया, अपने खर्चे पर सारी चीजें उनको कराई और उन्हें SDM भी बनवाया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि SDM बनने के बाद ज्योति मौर्या को अपने ही ऑफिस में काम कर रहे एक कलीग के साथ प्यार हो जाता है, उनके साथ अफेयर हो जाता है, और उसके बाद वो अपने पति आलोक मौर्या से तलाक लेना चाहती हैं। अब तलाक लेने के लिए ज्योति मौर्या ने अपने पति पर दहेज लेने और मांगने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में पहुंच गई और वहां पे अपील की कि उनको अपने पति से तलाक चाहिए, और उन्होंने तलाक भी ले लिया। वहीं उनके पति आलोक मौर्या का कहना है कि ज्योति मौर्या अपनी गलती को छुपाने के लिए उन पर झूठा आरोप लगा रही हैं, और उनके पास ज्योति मौर्या के SDM पद पर रहते हुए किए गए सारे भ्रष्टाचार के उनके पास सबूत हैं, जिसको उन्होंने UP के CM योगी आदित्यनाथ के पास कैसे भी करके उनको पहुंचवा दिया है। और सबूत मिलते ही UP सरकार ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ज्योति मौर्या को अपने पद से सस्पेंड कर दिया। अब सारा बवाल इसी चीज को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि कैसे एक पति ने मेहनत करके पैसा खर्च करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन पत्नी ने बदले में क्या दिया, उसे धोखा। SDM बनते ही अपनी पति को छोड़ दिया और किसी और के साथ अफेयर करने लगी। पूरे सोशल मीडिया पे आलोक मौर्या को खूब सारी सिंपथी मिल रही है और कुछ इस तरह के रील्स वायरल भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो SDM वाले पति की तरह बीवी गवाओगे भी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि प्रयागराज में 135 महिलाओं को जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, उनको उनके पतियों ने उन्हें वापस बुला लिया है, ये बोल के कि उन्हें अपनी पत्नियों को आगे नहीं पढ़ाना है। उन्हें डर है कि शायद ज्योति मौर्या की तरह उनकी पत्नी भी अफसर बनने के बाद उन्हें कहीं छोड़ कर ना चली जाए। और इसी तरह ज्योति मौर्या का नाम लेके हजारों लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। देखा जाए तो ये इंडिया है साहब, यहाँ किसी एक की गलती को उसके पूरे परिवार, उसके जाति, उसके धर्म और महिला समुदाय के साथ जोड़कर देखा जाता है, और उस इंसान के साथ साथ उससे जुड़े जाति, धर्म और लिंग के लोगों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, जैसा कि इस केस में देखा जा सकता है। तो मतलब अगर कोई एक महिला कुछ गलत काम करे तो इसका क्या मतलब है कि सारी महिलाएं, सारी लड़कियां ही गलत हैं? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या हम लोग सबको एक ही चश्मे से देखते हैं? मैं यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही किसी को गलत बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप में जाकर देखें तो आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स और हजारों ऐसे केस मिल जाएंगे जहाँ कभी किसी लड़की ने किसी लड़के को धोखा दिया है तो किसी लड़के ने किसी लड़की को भी धोखा दिया है। जैसे अभिनेता धर्मेंद्र की शादी फिल्मों में आने से पहले ही हो चुकी थी। 26 साल वो अपनी पहली पत्नी के साथ रहे, उनके 4 बच्चे भी हुए, लेकिन फिल्मों में आने और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के बाद धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए 1980 में हेमा मालिनी से शादी भी कर ली। सोचो उस पहली औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी। दूसरा एग्जाम्पल आप रामविलास पासवान का ले सकते हैं। रामविलास पासवान जिनकी पत्नी ने उनका साथ गरीबी के दिनों में भी दिया, लेकिन एक बड़ा नेता बनते ही अपनी शादी के 23 साल बाद भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ते हुए नेहा शर्मा से शादी कर ली। उनकी पहली पत्नी आज भी अपने बच्चों के साथ गरीबी में अपना जीवन जी रही है। सोचो उस औरत पे क्या बीत रही होगी। और खोजने पे आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे कभी किसी लड़की ने तो कभी किसी लड़के ने एक दूसरे को धोखा दिया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सभी लोगों को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते और ना ही हमें देखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जैसे आज ज्योति मौर्या की वजह से हजारों लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है।